हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्ष शर्मा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है एक्चुअल में। इट इज़ अ हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी मशीन है, यानी कि कोई भी हमारा, जैसे कि ये कह सकते हैं हम एग्जांपल कि हमारा कोई एक पंप है, इसमें एक इम्पेलर लगा हुआ है, वो ये है हमारा इम्पेलर। इस इम्पेलर में क्या होगा, जब ये हमारा फ्लूड आएगा, सक्शन दिख रहा है आपको, इसकी आई पैसे यहाँ से इसमें कोई भी फ्लूड सक्शन होता है इसका, ठीक है। तो जब ये फ्लूड इसमें आता है तो ये गोल गोल घूम के, जब फ्लूड के जब ये इम्पेलर घूमेगा तो फ्लूड भी घूमेगा गोल गोल, ठीक है। तो जब फ्लूड घूमता है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, इसका प्रेशर जो है बढ़ा दिया जाता है, या इसकी कह सकते हैं हम एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी बढ़ जाती है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किसके द्वारा बदल जाती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस बाई इम्पेलर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके द्वारा बनाया जाता है, हमारा इम्पेलर के द्वारा। ये हमारा इम्पेलर है कुछ, ठीक है, यहाँ से सक्शन हो रहा है हमारा, जहाँ से इसको दिख रहा होगा आपको इस जगह से, ठीक है, सक्शन हो रहा है। और इसके जो हमारे इम्पेलर है, इम्पेलर की टिप पर, ये दिख रहा है टिप, इस टिप पर हमारा फोर्स लगते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि हमारे ये कैसे, किस टाइप के फोर्स होंगे, टेंजेंशियल होंगे। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगते हैं इम्पेलर की टिप पर, जिससे यहाँ पे एफ फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी एफ लगेगा, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ, यहाँ ऐसे ही यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ, इस तरीके से हमारे यहाँ पे फोर्स लगेंगे और हमारा इम्पेलर गोल गोल घूमेगा, ठीक है, जिससे हमारा प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसकी वर्किंग क्या होती है, सिंपल वर्किंग है बहुत। द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ पंप्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फ्लूड फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि एक हमारा ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, यहाँ से हमारा नीचे इसके पानी भर रहा है, ये हमारा पानी है, हम पानी को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे पानी भर रहा है। तो ये पानी, भरे हुए पानी को क्या होगा, अगर हमें ये पानी उठाकर, जैसे कि हमारा ये पंप है, ठीक है, इस पानी को हमें उठाकर मान लीजिए किसी दूसरी जगह पे ले जाना है, इस जगह पर ले जाना है, इस टैंक में भरना है पानी को, तो यहाँ से पानी इस पंप के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी इसको हम देंगे किसी मोटर द्वारा, मोटर से मैकेनिकल एनर्जी जब इसमें जाएगी तो ये क्या होगा, इम्पेलर घूमेगा, और इम्पेलर घूमेगा तो पानी जो है, जिसका प्रेशर बढ़कर, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल पंप का काम, ठीक है। अब देखिए, दिस कॉज लिक्विड फ्रॉम सम्प टू रश थ्रू सक्शन पाइप टू आई ऑफ इम्पेलर, देयर बाई रिप्लेसिंग लॉन्ग डिस्चार्ज फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिक्विड है वो सक्शन पाइप, ये हमारी सक्शन पाइप है, इस सक्शन पाइप के द्वारा ऊपर चढ़ेगा, यानी कि किस में जाएगा, आई ऑफ इम्पेलर। जैसे कि मैंने अभी आपको इस वाले में बताया, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो है यही हमारी आई ऑफ इम्पेलर है, जो जिस जगह से हमारा वाटर सक्शन कर रहा है, ठीक है, यही हमारी आई ऑफ इम्पेलर। तो पानी जाएगा सक्शन लाइन के द्वारा आई ऑफ इम्पेलर में, और एक लॉन्ग डिस्चार्ज फ्रॉम सेंटर सरकमफ्रेंस टू द इम्पेलर, इट यूटिलाइजिंग इन लिफ्टिंग लिक्विड टू रिक्वायर्ड हाइट फ्रॉम डिलीवरी पाइप। यानी कि हमारा सक्शन होगा आई ऑफ इम्पेलर में, और सक्शन होने के बाद एक हाई डिस्चार्ज के रूप में, और जब हमारा इम्पेलर घूमेगा तो ये यूटिलाइज हो जाएगी लिक्विड की एनर्जी, और ये चला जाएगा इसमें डिलीवरी पाइप के द्वारा किसी भी रिक्वायर्ड हाइट पर, जिस जगह पे हमें पहुंचाना है उस जगह, ठीक है। ये होती है सिंपल इसकी वर्किंग। जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने देखा होगा घर में क्रीम वगैरह निकालते हैं, तो उसमें जब हम इसको घुमाते हैं, जो मशीन है हमारी, जब इसको घुमाते हैं या क्रीम को निकालते हैं, क्रीम सेपरेटर, तो हम क्या होता है कि जब इसको हम बीच 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 में से घुमाएंगे तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि क्रीम जो है बाहर से ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है, साइड में से, जो साइड बर्तन का साइड होता है, यहाँ से देखना कि उठना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब ये हमारा उठना स्टार्ट कर देगी चारों तरफ से, इस तरफ से भी उठना स्टार्ट कर देगी, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी फ्लूड है या लिक्विड है वो हमारा उठना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जिसमें जिसके उस जिससे उसकी हाइट जो है हमारे, जिस जगह पे हमें पहुंचाना है वहाँ पे ये बढ़ने लगता है। सेम प्रोसेस इसमें इस तरीके से भी काम करती है कि जब हमारा लिक्विड
किसी भी सक्शन लाइन के द्वारा आई एफ इम्पेलर में जाता है, इस जगह पे आ जाता है, तो यहाँ से वो घूमकर इम्पेलर के रोटेशन रोटेटरी मोशन के द्वारा घूमकर उसमें क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जिसके द्वारा वो घूमता है, और घूमने के द्वारा ये जो है वाटर ये हमारे डिस्चार्ज लाइन में निकल जाता है। ठीक है, क्रीम है वो ऊपर उठ रही है, इस तरीके से भी हमारा यहाँ पे वाटर जो है लिफ्ट होता है किसी भी रिक्वायर्ड हाइट पर, हम एच कह सकते हैं, किसी भी रिक्वायर्ड हाइट पर हमारा लिक्विड जो है लिफ्ट करता है। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज़ वर्किंग ऑन रिवर्स इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन होती क्या है। तो देखिए ये है रिएक्शन फ्लो टरबाइन, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इसमें क्या होता है, सिंपली इतना याद रखिए कि हमारा जो लिक्विड है या जो हमारा कह सकते हैं वाटर है या कोई भी फ्लूड है, वो क्या करता है, वो बाहर से आता है, बाहर से आता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा बाहर से आता है, और एग्जिस एग्जिस में एग्जिस के पैरेलल जो हमारा फ्लो करके डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि इट इज़ वर्किंग ऑन रिवर्स इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इनवर्ड फ्लो का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड फ्लो का मतलब हुआ अंदर की ओर आना, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आना। तो जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो है ये हमारा क्या है, इनवर्स इनवर्ड फ्लो ही तो है, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं हम, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। तो सेम इसी में होता है कि इसका उल्टा, रिवर्स, रिवर्स कैसा, रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए आप, जैसे कि इसका उल्टा करके देखते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, ये मोशन होगा कुछ, यानी कि इनर टू आउट, अंदर से बाहर की ओर। जब हम अंदर से नीचे से बाहर की ओर जाएंगे, इससे क्या है, जैसे कि आपको यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि ये है हमारा पंप, ये हमारा कुछ पंप है, ठीक है। जब यहाँ से हमारा लिक्विड जाएगा ऊपर, हमारा लिक्विड गया ऊपर, तो ये क्या है, इस तरीके से ही तो बाहर निकलना है हमारा, जैसे कि हम एक ही डायरेक्शन में गए तो इस तरीके से ही तो बाहर निकलना है। तो यानी कि नीचे से जाएगा और ऊपर की ओर बाहर हो जाएगा, तो यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें काम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं इसके वर्किंग के। तो देखिए जैसे कि आपको इस वाले में दिख रहा होगा, ये मैंने आपको बताया सक्शन लाइन, ठीक है, ये है हमारा आई ऑफ इम्पेलर, आई ऑफ इम्पेलर, ये रेड रेड दिख रहा है हमारा इम्पेलर है, इसका आई ये गया, ठीक है। ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको स्काई ब्लू, ये जो हमारा ये हमारी केसिंग, केसिंग के बाद ये हमारी डिस्चार्ज लाइन या प्रेशर साइड कह सकते हैं हमारी डिस्चार्ज लाइन, और ये हमारी पंप की केसिंग, ये हमारी टोटल पंप की केसिंग है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये जो ब्लू वाला है ना, ये ब्लू वाला ये वॉल्यूट केसिंग है, पंप केसिंग अलग होती है, वॉल्यूट केसिंग अलग होती है। पंप केसिंग क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं उनको एक सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रदान करना, और वॉल्यूट केसिंग क्या है, जिसमें से हमारा लिक्विड फ्लो करके जा रहा है, ठीक है, वो है हमारा। तो देखिए क्या होता है, स्टेप्स क्या क्या हैं, लिक्विड एंटर इन आई ऑफ इम्पेलर, लिक्विड आया इम्पेलर में, गया आई ऑफ इम्पेलर, गो टू इम्पेलर एंड रोटेट बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में गोल गोल घुमा दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, देन आउट द इम्पेलर एंड गो इन वॉल्यूट केसिंग, इसके बाद इम्पेलर से आउट होकर वो हमारा जाता है वॉल्यूट केसिंग, यानी कि ये वॉल्यूट चैम्बर कह रहे हैं हम, वॉल्यूट चैम्बर में जाएगा या गाइड वेन्स में जाएगा। गाइड वेन्स क्या होती हैं, गाइड वेन्स हमारा किसी भी फ्लूड को डिलीवरी लाइन तक पहुंचाने के लिए एक वे प्रदान करती हैं, यानी कि एक रास्ता प्रदान करती हैं, वो होती हैं हमारी गाइड वेन्स, ठीक है। तो गाइड वेन्स होती हैं, गाइड वेन्स में जाएगा, वॉल्यूट केसिंग इज गिव वे द वे ऑफ लिक्विड, यानी कि वॉल्यूट केसिंग क्या करता है हमारा, किसी भी लिक्विड को क्या, रास्ता प्रदान करना, ठीक है। देन इट इज़ आउट बाई डिलीवरी लाइन, यानी कि उसके बाद ये डिलीवरी लाइन के द्वारा ऐसे गोल गोल घूमेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। इसको चलाते किसके द्वारा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि इसको जो है हमारा मोटर के द्वारा या किसी भी इंजन के द्वारा हम चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हाउ टू वर्क, ये किस तरीके से काम करेगा, यहाँ से लिक्विड हमारा सक्शन होगा, सक्शन किस तरीके से होगा, देखिए ये चढ़ता कैसे है, इसमें पानी इम्पेलर तक पहुंचता कैसे, क्योंकि डाउन लेवल में है, ठीक है। ये है हमारा सेंटर लाइन ऑफ पंप, सेंटर लाइन ऑफ पंप, ठीक है, और ये हमारा बिल्कुल बेस वाला लेवल, तो यहाँ से यहाँ तक ये हम इसको पहुंचाएंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है इसमें, हम मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा, एक वर्ड होता है प्राइमिंग, ठीक है, प्राइमिंग ऑफ पंप। प्राइमिंग में इतना सिंपली अभी याद रखिए कि पानी भर के रखना, पंप में कोई भी लिक्विड है वो ऑलरेडी भर के रखते हैं हम, ये नहीं है पंप को खाली चला रहे हैं, नहीं, पंप खाली कभी नहीं चलती, उसमें लिक्विड हमेशा रहता ही है। तो क्या होगा, इसमें लिक्विड है,
फिर हमने क्या किया, मोटर घुमाई। मोटर घुमाने से हमारा क्या हुआ, रोटेट इम्पेलर भाई, मोटर रोटर से इम्पेलर घूम गया। जब ये गोल गोल घूमेगा तो हमारा जो प्राइमिंग वाला लिक्विड है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। जब वो आगे चला जाएगा तो क्या होगा, इस जगह पे एरिया कम है, आई पर क्या होता है हमारा एरिया कम है। अब जिस जगह पर एरिया कम होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर एरिया कम होता है उस जगह पर, और इम्पेलर इम्पेलर घूम रहा है, इम्पेलर घूम रहा है यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी भी बढ़ रही हो, एरिया कम हो, तो वहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये आई ऑफ इम्पेलर प्रेशर इज़ डिक्रीज। और जब प्रेशर जी डिक्रीज हो जाएगा हमारा, जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा आई पर, तो सक्शन लाइन के द्वारा क्या होगा, लिक्विड ऊपर चढ़ने लगेगा, और जब हमारा लिक्विड ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसी तरीके से प्रोसेस चलती जाएगी। फिर वो जाएगा किस में, इम्पेलर में घूम जाएगा, जिससे उसकी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद वो डिलीवरी लाइन से डिलीवर बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और इस पर इम्पेलर के द्वारा, जिसमें आपको बताया कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम करता है, ये सब, ठीक है। अब देखिए इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अभी आपको सिर्फ पार्ट्स के नाम बता रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दे दूंगा, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, सिंपली पहले सक्शन लाइन, जैसे मैंने आपको सक्शन लाइन पता है, सक्शन वाल्व पता है, सक्शन लाइन पर लगने वाला सक्शन वाल्व होगा, ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि सक्शन वाल्व कहाँ है हमारा, ये है हमारा, जैसे कि डिलीवरी लाइन में दिख रहा है आपको डिलीवरी वाल्व, इसी तरीके से सक्शन लाइन में भी एक वाल्व लगा होगा कहीं पे, यहाँ पे नहीं लगा, सक्शन वाल्व इस टाइप का लगा होगा, ठीक है। तो सक्शन वाल्व, इम्पेलर आपको पता ही है इम्पेलर क्या होता है, ठीक है। केसिंग, जो भी हमारी केसिंग होगी, पंप केसिंग भी हो सकती है, वॉल्यूट केसिंग भी होगी, ठीक है, और हमारी डिफ्यूज़र केसिंग भी होगी। इस बहुत टाइप की केसिंग, तीन टाइप की केसिंग होती है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, अगली वीडियो में। गाइड वेंस होती हैं, ठीक है, गाइड वेंस होंगी, डिस्चार्ज लाइन होगी, डिस्चार्ज वॉल होगा। ये वॉल्स जो होते हैं ये किस टाइप के होते हैं, ये होते हैं NRV, NRV का मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व, कि ये है हमारा नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है। यहाँ से हमारा लिक्विड गया ऊपर, हम कहते हैं लिक्विड गया ऊपर, तो लिक्विड गया ऊपर तो लिक्विड क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ गया, लिक्विड बाहर निकल गया। बट जब हमारा प्रेशर कम कर दिया तो ये बाहर का लिक्विड, तो ये क्या होगा, अंदर यहाँ पे बंद हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा तो बाहर का लिक्विड अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। जब बाहर का लिक्विड अंदर नहीं आ पाएगा तो इसी को कहते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी कि वाल्व ऐसा कि उसमें रिटर्न ना हो सके, कोई भी लिक्विड है हमारा तो वो क्या ना हो सके, रिटर्न ना हो सके हमारा, तो उसको कहते हैं NRV, यानी कि नॉन रिटर्निंग वाल्व, ठीक है। फिर उसके बाद शाफ्ट, आपको पता है कि इम्पेलर लगा होगा वो शाफ्ट के ऊपर लगा होगा, शाफ्ट के ऊपर स्लीप भी लगी होगी, बियरिंग होता है, ठीक है, बियरिंग हाउसिंग भी होता है, एक होता है हमारा स्टफिंग बॉक्स, एक होता है बियरिंग, ठीक है। ये बियरिंग काफ़ी दो तरीके की होती हैं, मैकेनिकल सील होता है, मैकेनिकल सील का क्या काम है, मैकेनिकल सील का काम है लीकेज को रोकना, ठीक है, जो हमारे लीकेज वगैरह हो रहे हैं उसको रोकने के लिए मैकेनिकल सील यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी लेक्चर्स में आपको वीडियोस जो है आगे दे दूंगा, ठीक है। एक होता है थ्रोट बुश, क्या होता है थ्रोट बुश के बारे में भी आपको बता दूंगा, लेटरनिंग होती है, और एक होता है ऑयल सील या ऑयल इंडिकेटर। ऑयल इंडिकेटर आपने देखा होगा कि बियरिंग हाउस में, बियरिंग हाउसिंग में एक साइड में कुछ इस टाइप की लगी होती है, इस टाइप की, कि गोल गोल इस टाइप की लगी होती है, ठीक है, तो वो होता है हमारा। और यहाँ पे लिक्विड होता, मतलब हमारा जो ऑयल है, ऑयल रखा रहता है, ऑयल का लेवल पता रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे ऑयल का लेवल पता चलता रहता है कि बियरिंग हाउसिंग में ऑयल का लेवल कितना है, तो उसको कहते हैं ऑयल इंडिकेटर। और ऑयल सील भी होती है एक, ठीक है, जिससे हमारा लीकेज वगैरह ना हो ऑयल का, यानी कि बियरिंग हाउसिंग से लीकेज वगैरह ना हो, इसीलिए ऑयल सील का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके पार्ट्स। तो देखिए जैसे कि डायग्राम में आपको कुछ पार्ट्स दिख जाएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये है सक्शन लाइन, इनलेट हो गया सक्शन, ठीक है, और ये है आई ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर की आई, ठीक है, आई ऑफ इम्पेलर। ये है वियर रिंग, यहाँ पे लग रही है ये वियर रिंग, केसिंग वियर रिंग, यानी कि जब हमारा इम्पेलर घूमे तो इम्पेलर जो है हमारा केसिंग के साथ फ्रिक्शन ना करे, तो इसके लिए केसिंग वियर रिंग लगाते हैं, ठीक है, ये इम्पेलर है, ठीक है। सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं, वॉल्यूट केसिंग, वॉल्यूट केसिंग कौन सी होती है, जो हमारा, जिसमें हमारा फ्लूड घूमेगा इम्पेलर के बाद जाएगा, जब फ्लूड, तो फ्लूड घूम के हमारा डिस्चार्ज में जाएगा, उसको कहते हैं वॉल्यूट केसिंग। ये हमारे ब्लेड्स हैं, ब्लेड किसके अंदर होते हैं, इम्पेलर के अंदर होंगे, ठीक है।
और साफ्ट आपको बताइए, पैकिंग ग्लैंड पैकिंग होती है, ग्लैंड पैकिंग ये साफ्ट के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। स्टफिंग बॉक्स भी लगा होता है यहाँ पे, ये डिस्चार्ज होती है डिस्चार्ज, और यहाँ पे एक हमारा मतलब डिस्चार्ज नोजल, बस इतने ही पार्ट्स दिखाए गए। ये देखिए ये है हमारा सिंपल केसिंग के बारे में, ये हमारा क्या है केसिंग, ठीक है, बाहर का। ये है साफ्ट और साफ्ट स्लीव, ठीक है, और ये हमारा इंपेलर कुछ इस टाइप का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपेलर में ये जो है ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये क्या है ब्लेड्स लगे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। तो देखिए एप्लीकेशन कौन कौन से हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो पहला एप्लीकेशन तो इसका यही है कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ हमेशा उस जगह किया जाएगा जिस जगह पर किसी भी फ्लूड का काम हो, यानी कि ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्री में, यानी कि पंपिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल का मतलब रिफाइनरीज वगैरह में, ठीक है, सिलरी मड यूज़ बाई रिफाइनरीज, पावर जनरेशन प्लांट्स, जिस जगह पर हमें पावर जनरेशन इनके हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज़ करना हो उस जगह पर, इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड वेंटिलेशन, बॉयलर फीड एप्लीकेशन, बॉयलर में हम पानी भेजते हैं तो उसके लिए आप पंप का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एयर कंडीशनिंग में, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर वेस्टर प्रोसेसिंग प्लांट हो गया, म्यूनिसिपल इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ वहाँ हम यूज़ करते हैं। और भी जगह हैं हमारी, जैसे हम पेट्रोकेमिकल्स कह सकते हैं, सेल्यूलोज कह सकते हैं, शुगर रिफाइनरीज कह सकते हैं, इन जगह पर हमारा यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, इसका एडवांटेज एक बहुत सारे एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर एनर्जी मिलती है आपको, यहाँ पे हमारा कोई भी शोर वगैरह या कह सकते हैं कि कोई भी हमारा शोर शराबा नहीं होता, बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं। तीसरा नो फ्रिक्शन लॉसेस, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन लॉसेस इतने नहीं होते, हमारे कम ही होते हैं। और यहाँ पे चौथा चीज़ कि हमारा यहाँ पे लीकेज नहीं होता, नील लीकेज क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम मैकेनिकल सील यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीकेज नहीं होता। इसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। पहला डिसएडवांटेज है हमारा, ये एक तो बहुत कॉस्टली होते हैं, इनकी इसकी जो इनिशियल कॉस्ट हो, इनिशियल कॉस्ट का मतलब जो हम शुरुआत में इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं वो होती है इनिशियल कॉस्ट, और उसके बाद जो होती है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी और इनिशियल कॉस्ट दोनों की दोनों ही इसकी महंगी होती हैं, ठीक है, तो इसीलिए कॉस्टली होता है काफ़ी। दूसरा इसमें वाइब्रेशन भी होते हैं काफ़ी, वाइब्रेशंस भी होते हैं, और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसकी एक ही है, और वो मेज़र प्रॉब्लम क्या है, वो मेज़र प्रॉब्लम है इसकी सिर्फ कैविटेशन। वो क्या है कैविटेशन, यानी कि कैविटेशन का बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैविटेशन क्या होता है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम है इसमें, कोरोजन, कोरोजन भी होने के चांस है, क्योंकि जिस जगह पर लिक्विड है उस जगह पर सिंपल चांस है कि वहाँ पर कोरोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज, तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू।